नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, 30 अगस्त 2020 को भिंड पुलिस ने एक व्यक्ति को इस आरोप पर गिरफ्तार किया कि उसने अपने कुत्ते टॉमी सिंह का फर्जी आधार कार्ड बनवाया। दरअसल उसने भिंड के उमरी नामक स्थान की आधार पंजीयन एजेंसी के सुपरवाइजर आजम खान के साथ मिलकर अपने कुत्ते टॉमी का आधार कार्ड बनवाया, जिसमें टॉमी का पूरा नाम टॉमी सिंह और उसके पिता का नाम शेरू सिंह और उसकी जन्मतिथि 26 नवंबर 2009 थी। है ना ये फनी बात। दोस्तों, हालांकि डॉग्स लवर के लिए काफ़ी खुशी की बात होगी कि कुत्तों की काफ़ी इज्जत होने लगी है, लेकिन यहाँ संविधान की सीधे शब्दों में अवहेलना है, इसलिए पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति ने यह शिकायत की कि इस एजेंसी में जानवरों कुत्तों बिल्लियों के आधार कार्ड तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन हम घंटों लाइनों लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमारे आधार कार्ड नहीं बनते हैं। दोस्तों, यह मामला पहला नहीं है जब आधार कार्ड से जुड़ी ऐसी बातें सामने आई हैं। गुजरात में भगवान बजरंगबली का आधार कार्ड बनवा दिया गया, वैसे ही झारखंड और मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कुछ बीजेपी शासित राज्यों में गायों के आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ हफ्तों पहले ही सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने आधार कार्ड से जुड़ी एक सुनवाई में निजता को मुख्य अधिकार घोषित कर दिया है। दोस्तों, कुछ समय पहले यह खबर थी कि आधार कार्ड लाखों लोगों के आधार कार्ड की जानकारी एक वेबसाइट से लीक हो गई है, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं था और केंद्र सरकार ने भी कहा था कि ऐसा हुआ नहीं है कि लीक हुई है कुछ जानकारियां, लेकिन आधार कार्ड प्रमुख बहुत चर्चा का विषय बना रहता है और विवादों में भी घिरा रहता है। दोस्तों, 12 अंकों के आधार कार्ड में धारक के आंखों की रेटिना और 10 उंगलियों के निशान होते हैं, साथ ही उनका पता और मोबाइल नंबर भी होता है। तो दोस्तों, यह 12 नंबर का आधार कार्ड काफ़ी चर्चे में रहता है और कहा जाए तो आधार कार्ड बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधार कार्ड को आपके बैंक से तथा पैन कार्ड से भी लिंक किया जाता है, इसलिए आजकल सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है तो वह है आधार कार्ड। दोस्तों, आपके दस्तावेजों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने आधार कार्ड, पासबुक या पैन कार्ड या फिर किसी भी प्रकार के OTP किसी को भी ना बताएं, क्योंकि आजकल फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, प्रसिद्ध कवि मार्कस अनियस सेनेका ने कहा है कि हर रात हमें अपने आप से सवाल करने चाहिए, जैसे कौन सी दुर्बलताओं पर आज मैंने महारत हासिल की है, कौन से लालच से मैं बचा हूँ और मैंने कौन से गुण अपनाए हैं। जब आप अपने आप का आकलन करने लगेंगे तो आप और बेहतर से भी बेहतर बन जाएंगे। जय हिंद।